हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ नती एहसान कोचिंग पे, जो कि सिद्धारा पे है। और यहाँ पे प्रत्येक साल एक स्टैंडर्ड लेवल पे, एक बहुत ही बड़े लेवल पे टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है, जिसमें कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कब से ये आयोजन होगा, कब से ये टेस्ट जो स्टार्ट होगा, ये सारे चीज़ की जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो आज चलिए हम आपको मिलाते हैं ये उन्नति एहसान के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सुने थे ये टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि उन्नति एहसान टेस्ट सीरीज करके, जो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे होता है। और इससे पहले भी मैंने सुना था इसके बारे में। कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि ये टेस्ट हर साल आयोजित होता है हमारे यहाँ, तो इसमें जो है क्लास टेंथ का स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम और क्लास ट्वेल्थ को हम लोग कवर करते हैं। तो क्लास ट्वेल्थ का जो है आपको 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिसंबर से, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम होता है जी। तो जनवरी और दिसंबर 2 महीना हम लोग लगातार बच्चों को मेहनत करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ट्वेल्थ क्लास का भी और टेंथ क्लास का भी। 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ट्वेल्थ वाले का, और 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है टेंथ वाले का। इस टेस्ट में कौन सा स्टूडेंट, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स, किस? स्पेशली ये साइंस के लिए है, अपने यहाँ साइंस की पूरी पढ़ाई होती है ना, तो इसलिए टोटल साइंस के सब्जेक्ट रहेंगे इवन। लेकिन बच्चे तो अक्सर साइंस को पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिनका जो मैथ होता है तो मैथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बट लैंग्वेज पेपर का कोई बच्चा ध्यान नहीं दे पाते। तो अपने यहाँ जो है लैंग्वेज पेपर पर भी टेस्ट हम लोग लेंगे। टेस्ट का मैं आपको दिखाता हूँ, ट्वेल्थ क्लास में है ना, ट्वेल्थ क्लास में आपको टोटल 16 टेस्ट लिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। ओके, पूरा 16 टेस्ट होगा। कि ट्वेल्थ का टेस्ट कैसे होगा, ये 2 तारीख से स्टार्ट है, बच्चों को सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, और कौन कौन सब्जेक्ट का कौन दिन एग्ज़ाम है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, बच्चों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। बच्चों को अगर डिटेल्स जानकारी चाहिए तो ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए कोई प्राइज वगैरह भी है? 16 का 16 टेस्ट दे देंगे, तो ये होगा कि वो बच्चे अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, 16 का 16 टेस्ट ले लेते हैं, तो उनको 26 जनवरी को अपने यहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को गिफ्ट हम लोग देते हैं प्रोत्साहन के तौर पर। अधिकतर स्टूडेंट को एक बात का डर रहता है कि टेस्ट में क्या आएगा, क्या पूछेंगे सर, तो इसको कैसे दूर किया जाए? यही प्रॉब्लम है कि लास्ट टाइम क्या होता है, बहुत सारा बच्चा सब तैयारी करता है, तो बहुत बच्चों का तैयारी बहुत रहता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सीली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियाँ, कॉन्फिडेंट में कमी की वजह से, आत्मविश्वास की कमी की वजह से बच्चों को लगता है कि हम याद हैं मुझे, जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो बच्चा छोटा गलती करके भूल जाता है, गलती करने बैठता है, उसकी कमी है, तो उसके लिए आत्मविश्वास में कमी है। उसके लिए चाहिए बच्चों को टेस्ट देना, जितना टेस्ट बच्चा देगा उसका डर खत्म होगा, और उसको आइडिया भी लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है। या कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अभी बोर्ड लेवल में खास साइंस सब्जेक्ट में बच्चे भटक जाते हैं, वो कंपटीशन का तैयारी करने लगते हैं बोर्ड को छोड़ करके, लेकिन बोर्ड का पूछने का तरीका अलग है, पैटर्न अलग है, और कंपटीशन का पैटर्न अलग है, तो बच्चों को थोड़ा बोर्ड को अलग देखना पड़ेगा, अलग नज़र से। हम लोग क्या करते हैं, पूरा बोर्ड फोकस होता है अभी हम लोग का, क्योंकि एग्जाम में बच्चों का, और बोर्ड में नंबर आएगा तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होगा। क्योंकि क्या होता है, बच्चा सोचता है कि नंबर कितना, मैंने देखा एग्जांपल कि कितने बच्चों को जेई में निकल जाता है, क्वालिफाई कर जाता है, अब बोर्ड में उसको मार्क्स ही नहीं मिला, तो उसका जो एलिजिबिलिटी किया है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग बोर्ड पर फोकस करते हैं ताकि बच्चे का रिजल्ट अच्छा है टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो बच्चा आगे जाकर तो उसमें भी एलिजिबल हो जाएगा, ये होता है। और इसमें क्या प्रोसेस है बच्चे को ज्वाइन करने का? तो भाई ये कि बच्चे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करने के बाद जो बच्चे ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, उनको कॉल करना पड़ेगा, उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, उनको डिटेल्स देना पड़ेगा। ओके, और अगर पहला एग्जाम बच्चा नहीं दे पाता है तो दूसरा एग्जाम से ज्वाइन कर सकता है, तीसरा एग्जाम से ज्वाइन कर सकता है, जितना ज्वाइन जहाँ जब से ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। और उसके लिए फी जो चार्ज है बहुत कम है, हम लोग ने बहुत कम चार्ज रखा है, 55 रुपये पर टेस्ट है, देखिए 55 रुपये पर टेस्ट है, और पहला टेस्ट में बस 110 है, 110 रुपये लगता है। टोटल टेस्ट जो चार्ज है 16 टेस्ट का 935 रुपये है, मैंने ये बहुत ही कम है, बच्चा तो ऐसे ही खर्च कर लेता है। और ये टेस्ट अगर देता है तो बच्चों का डर खत्म हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, और बच्चों को पूरा माहौल बोर्ड वाला मिलेगा, मतलब 3 घंटा का ये एग्ज़ाम जो बोर्ड में होता है उस लेवल का हम लोग लेंगे, बिल्कुल न्यू पैटर्न लेंगे, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों का। तो बिहार बोर्ड का जो न्यू पैटर्न है इस बार जो लिया जाएगा उसी पैटर्न में जो ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, 200% क्वेश्चन आता है, वो सारा उसी बेस पर आता है, तो बच्चों को एकदम माहौल मिल जाता है एकदम एग्ज़ाम वाला। फिर बच्चों को एडमिट कार्ड मिलेगा यहाँ हमारी संस्था की तरफ से, तो एडमिट कार्ड मिलेगा तो वो अपना एडमिट कार्ड लेकर आएंगे, फिर वो माहौल में बच्चा एग्ज़ाम देंगे तो खत्म होगा। और अभी जिस तरह से अभी बहुत कम टाइम बचा है बिहार बोर्ड वाले बच्चों का, और भी जो सीबीएसई वाले उनका भी तो टाइम कम ही है, तो इस बच्चों के अंदर जो डर है कि पढ़े तो सब है लेकिन उन लोगों को लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? जो बच्चे हैं जिनकी तैयारी है, मैंने उनको लग रहा है कि हम पढ़े हुए हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पढ़े हुए हैं, बट उनके अंदर डर घुसा हुआ है, तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत यूज़फुल है। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मैंने कि पूरा साल बर्बाद हो गया उनका, अब लास्ट में आना चाहते हैं,
तो टेस्ट सीरीज के थ्रू उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन को अगर बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, 16 टेस्ट होना है, कम तो है नहीं, चार बायोलॉजी का है, चार फिजिक्स का, चार मैथ का है, चार केमिस्ट्री का है, फिर इंग्लिश का 3 है, लैंग्वेज पेपर का मैंने रखा हुआ है, एक लैंग्वेज पेपर का भी है, तो बच्चे अगर उस क्वेश्चन को अच्छा से कर लेते हैं, जिनकी तैयारी नहीं है अभी, वो क्वेश्चन को करने के बाद वही क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि वही क्वेश्चन हम लोग देते हैं जो बोर्ड में आ चुका है। अब बाकी ऑब्जेक्टिव सोचिए, चार फिजिक्स का टेस्ट होगा तो हर फिजिक्स में 70 ऑब्जेक्टिव आएगा, 7 जगह 28 280 ऑब्जेक्टिव बच्चे का हाथ में होगा, फिर हम लोग उसका प्रैक्टिस सेशन भी देंगे, उसका डिस्कशन क्लास भी देंगे, ऑफलाइन में भी देंगे, ऑनलाइन में भी देंगे, ताकि बच्चे केवल खाली क्वेश्चन आंसर में ले लें, बल्कि उसको डिस्कस के साथ अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो बच्चा उसका आंसर दे पाए। ये तो क्या मतलब कि यहाँ पे एग्जाम देने के बाद बच्चों को उसका जो विश्लेषण होता है वो पूरा एनालाइज पूरा मिलेगा यहाँ पे। हम लोग पूरा बच्चों को टेस्ट लेने के बाद बच्चों को, तो एक तो पेपर में स्टेप मार्किंग होगा, जो कॉपी बच्चा एग्जाम देगा उसमें स्टेप मार्किंग होगा बिल्कुल बोर्ड की तरह, ओके। उसके अलावा जो है सब टेस्ट का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन क्लास देंगे लाइव में, और या बच्चा ऑफलाइन में होगा ऑफलाइन में, और उसको उसका जवाब मिलेगा तो उसके हिसाब से उसकी तैयारी होगी। ऑनलाइन में कहाँ पे देख सकते हैं बच्चे? तो चैनल पर यहाँ ये टेस्ट सीरीज सिर्फ बोर्ड वालों के लिए है या जेईई नीट वालों के लिए भी है? ये जो बच्चे इस बार 12th में है, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 12th में इस बार है, जो 10th में इस बार है, जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो वो बच्चे सीबीएसई क्यों या बिहार बोर्ड, वो ज्वाइन कर सकते हैं और वो ज्वाइन करें। तो कितने बच्चे होते हैं कि 12th के साथ साथ नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं दूर दूर रहकर भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो पहले अभी बोर्ड फोकस करना चाहिए कि बोर्ड खराब ना हो, क्योंकि बोर्ड अगर खराब हो गया तो फिर आप नीट और जेईई, नीट का तो छोड़िए, जेईई का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसा बोला ना कि आपको कि एग्जाम्पल ऐसा भी है, जेईई क्वालिफाई हो जाता है, मेन निकल जाता है, फिर बोर्ड में एग्जाम नंबर कम आता है, बच्चा फिर उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है आगे के लिए एडवांस के लिए। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, है ना, देखिए जैसे बच्चे कितना माइनर गलती करते हैं, आप भी तो साइंस से पढ़े हो ना जी, जी। तो आपको दिखाते हैं, देखिए एक चीज़ है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो ये सिली मिस्टेक बच्चे कैसे करते हैं डर में एग्जाम की वजह से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट बच्चों को डर की वजह से बच्चा भूल जाता है, याद रहने के बाद भी। आपसे मैं पूछूंगा क्योंकि साइंस से पढ़े हुए जी, आप इसका जवाब ढूंढो क्या होगा, ऐसा पूछ करो, 1 स्टैट कूलम्ब बराबर कितना होता है, अंदाजा आपका ही साइंस से पढ़ के आया होता है, हमको पता है आपके बारे में, तो बताओ क्या होगा आंसर। सी सी, तो देखिए आप जवाब दे रहे हैं सी, क्योंकि आप सोचे हुए थे कि वो 3 × 10^2 इस टाइप का है, तो चूंकि देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 × 10^9 स्टैट कूलम्ब, इतना होता है स्टैट कूलम्ब, ये होता है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10^9 स्टैट कूलम्ब होता है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा रहा है 1 स्टैट कूलम्ब, ये बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अब बच्चा गलती करके आता है क्योंकि ऑप्शन एक जैसा है, मिलता जुलता है जी। तो यहाँ से अगर बच्चा 1/3 को बट्टा मिलाएगा, 1 स्टैट कूलम्ब है 1/3 या 10^9 नीचे आएगा तो माइनस साइन होगा, आंसर तो डी हो जाएगा, डी हो। अब बच्चा जल्दीबाजी में हड़बड़ा करके कितना बच्चा को तो यही याद रहता है, पहला ही मार देता है, ये डर सब खत्म होगा एग्जाम से जी, मतलब ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर देखिए ये जैसे मैथमेटिक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला कितना बच्चा को याद होता है, आप तो सही आंसर भी बताएं, इसमें भी गलती है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स π/2 होता है, अब π/2 का डिफरेंशिएशन ही है, ओके, ये डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, अब π/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, आंसर ये होगा। अब बच्चा इसमें गलती करके आ सकता है, एक तो गलती करके अगर फॉर्मूला लगा देगा π/2 लिख देगा, सिली सिली मिस्टेक ना हो उसके लिए टेस्ट बहुत अहम रखता है, मैंने लास्ट टाइम में बच्चों को टेस्ट ही ज्वाइन करना चाहिए प्रैक्टिस, अब वो माहौल हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। एक और बात है, जो बच्चे जो एग्जाम हमारे यहाँ दिए हैं वो सारे बच्चों का जो रिजल्ट हुआ है, देखिए आप तो जानते हैं, जो 10th क्लास में एक बच्ची है टॉपर है, फिर क्लास 12th में जो अपने यहाँ से 443 नंबर 443 है, और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट है, इसमें जेईई वाले भी हैं, नीट वाले भी हैं, जो बोर्ड में बोर्ड के साथ साथ नीट और जेईई हो रहे हैं, वो बच्चे सब है, सब इसी साल का रिजल्ट है 2023 का। अब जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या है? तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो उनकी तैयारी होगी नहीं, तो वो क्या करेंगे, जो टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस टेस्ट का क्वेश्चन आंसर हम लोग देंगे डिस्कशन के साथ, उसी को प्रिपरेशन कर देंगे ना, तो बहुत सारा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन तो डिटो सेम एग्जाम में रिपीट हो जाता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग टेस्ट का है वो तो देवे करेंगे, तो उसका सोल्यूशन देंगे ही देंगे, उसको समझाएंगे भी, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ अपना एक अलग से गेस्ट टाइप का क्वेश्चन सब यूट्यूब के माध्यम से ऑफलाइन के माध्यम से बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि वही अच्छे से याद कर ले, जब एग्जाम आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम लोग जो टेस्ट लेते हैं उसी से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आ जाता है, 80 से 90% क्वेश्चन उसी से आ जाता है। जैसा कि सर बताए हैं ये 2 तारीख जो दिसंबर का है स्टार्ट होने वाला है ये कोई टेस्ट सीरीज, यदि कोई बच्चे 2 तारीख को यदि पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो 3 को भी आ सकते हैं, या फिर बीच में नहीं आ सकते हैं तो फिर 9-10 तारीख को भी आ सकते हैं, बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सेम प्रोसेस वही है, क्लास 10 का 9 तारीख से स्टार्ट होगा उसका प्रोसेस, ओके। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद जो यहाँ तक वीडियो देखे हैं, और जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बेहतर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, और आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है।
क्योंकि जो हमारे मार्केट में यदि हम देखें तो कई सारे टीचर और कई सारे ऑफलाइन ऑनलाइन कई सारे जगहों पे 4,000-5,000 रुपया लगता है, यहाँ पे सिर्फ 935 रुपया लिया जा रहा है। ये कोई चीज़ तो हुआ ही नहीं, 935 रुपया आप सिर्फ उसी चीज़ का दे रहे हो कि आप कॉपी और जो आपका मार्कशीट और जो क्वेश्चन सब कॉपी सब यही मिल जाएगा बच्चों को, सब कुछ मिल जाएगा, मार्कशीट भी मिल जाएगा, बिल्कुल बोर्ड की तरह एकदम माहौल बिल्कुल से मिलेगा। और बच्चों के केवल पेन लिखा, ज्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर ये अगला नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बाय।